फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहां पर शुरू करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि ना सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर बल्कि सिविल इंजीनियर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैं यहां पर आज आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूं, बट क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कि जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को यहां पर कवर करने होंगे और उनका वेटेज क्या होगा, इन सभी की बातें हम लोग यहां पर करेंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसा कि सब्जेक्ट का नाम मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड आई होप आप लोग ये फ्लूइड और मैकेनिक्स दोनों वर्ड्स का मतलब जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर आप लोगों को सबसे पहले तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब बता देता हूं। देखिए, फ्लूइड ये एक वर्ड बहुत ही ज्यादा कॉमनली हम लोग यूज करते थे। एंड द वर्ड फ्लूइड इज फॉर एनी मैटर दैट कैन फ्लो। तो व्हाट इज द फ्लूइड, मैं यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट लिख सकता हूं फ्लूइड के लिए, दैट इट इज अ मैटर दैट फ्लोस। अब सवाल ये आता है कि सर, फ्लो वर्ड तो हम लोगों ने बहुत बार यूज करा है, लेकिन फ्लो का मतलब क्या होता है? अगर ये समझ जाएंगे तो फ्लूइड क्या होता है ये भी समझ जाएंगे। देखिए, फ्लो जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं, बेसिकली फ्लो वर्ड हम लोग दो तरह के मैटर के लिए यूज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था टोटल तीन तरह के स्टेट ऑफ मैटर होते थे। कौन कौन से तीन स्टेट थे आप लोग मेरे को बता सकते हो फटाफट? द फर्स्ट स्टेट वॉज द सॉलिड्स, सेकंड स्टेट वॉज द लिक्विड एंड द थर्ड स्टेट वॉज योर गैसेस। हमने ये भी सीखा था कि जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि लिक्विड्स में थोड़ा कम और गैसेस में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूल्स को आपस में रिलेटिवली मूव करने से रोकता है। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूं, फ्लूइड हम लोग बुलाते हैं फॉर द लिक्विड्स एज वेल एज फॉर द गैसेस, हम लोग एक कॉमन वर्ड बोलते हैं, दैट इज नोन एज फ्लूइड, क्योंकि इनकी फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है। अब सवाल ये आ जाता है कि सर, फ्लो करने की कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? तो देखिए, जब मैं पानी बह रहा है ऐसा बोलता हूं, तो पानी बहने का मतलब क्या होता है कि वाटर पे अगर आपने एक पर्टिकुलर फोर्स लगा दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इजिली मूव कर पाते हैं। इसी को अगर मैं थोड़ा सा अभी यहां पर डायग्राम में स्केमेटिकली यहां पर अगर आप लोगों को शो करना चाहूं, मान लेते हैं ये है एक मॉलिक्यूल और ये है दूसरा मॉलिक्यूल। इनमें से अगर एक मॉलिक्यूल पे, मान लीजिए इस मॉलिक्यूल पे मैंने एक फोर्स लगाया, लेट दैट बी फोर्स एफ। तो अगर फोर्स एफ यहां पर मैंने लगाया है ऑन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, देन कुछ टाइम बाद, जहां अभी इसके पहले इन दोनों के बीच में मेरे को ये पर्टिकुलर सेक्शन मिल रहा था विच इज वर्टिकल, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल मूव करके शायद यहां पर पहुंच गया होगा। और अगर अब मैं इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले एक लाइन ड्रॉ करूंगा, देन दैट लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को क्या मिल रहा है, दैट देयर इज अ रोटेशन एंड दिस एंगल ऑफ रोटेशन, इस एंगल ऑफ रोटेशन को अगर मैं लिख देता हूं यहां पर थीटा, After time, अगर इधर स्टार्टिंग में मान लेता हूं टाइम टी इक्वल टू जीरो था और इधर टाइम टी इक्वल टू टी वन है, तो कुछ टाइम बाद और चेक करूंगा तो क्या देखने को मिलेगा, ये वाला मॉलिक्यूल थोड़ा और आगे चला गया होगा और ये वाला मॉलिक्यूल शायद यहां आ गया होगा। साइज सेम रहेगी तो उसको, साइज को आप लोग चेक ना करें, बट ये बात श्योर है कि अब जो एंगल बनेगा वो एंगल कुछ ज्यादा बनेगा। कि सर, अभी यहां पर जो एंगल है, लेट दैट बी थीटा टू, पहले जो एंगल बना था दैट वाज थीटा वन। दैट मींस कि मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर एक पर्टिकुलर फ्लूइड के एक मॉलिक्यूल पे मैंने फोर्स लगाया तो वो मॉलिक्यूल तो आगे मूव करता जाएगा, लेकिन उसका पड़ोसी जो दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे यहां पर नीचे दिखाया, ऊपर भी हो सकता था मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल मूव नहीं करता, बिकॉज इनके बीच में कोई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत कम था। यही तो बेसिक डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो बेसिकली आई होप
इतना तो जरूर हम लोगों के बेसिक्स होंगे कि सर सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। मैं यहां से एकदम जीरो लेवल से उठा रहा हूं कि फ्लूइड क्या होता है। हम लोग बिल्कुल जाएंगे टिल योर एग्जाम लेवल, और ना सिर्फ एग्जाम लेवल बल्कि एग्जाम से भी कुछ ज्यादा ऊपर तक जाएंगे, ताकि एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे वो हमें ईजी फील होने लगे। बिकॉज एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अलॉन्ग विद सम गुड नॉलेज। तो अच्छे बेसिक्स होने चाहिए हम लोगों के। अच्छे बेसिक्स होंगे तो क्वेश्चंस इजीली बनेंगे, क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे इजीली, तो कॉन्फिडेंस आएगा, पक्की बात है। कॉन्फिडेंस आएगा तो हम लोग जो आता है उसको गलत तो नहीं कर पाएंगे। सो ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें अगर एग्जाम में 100 आता है, तो एग्जाम में अगर 100 आ रहा है तो हमें 100 नहीं बल्कि 200 की तैयारी करके एग्जाम में जाना चाहिए, सो दैट वी कैन डायरेक्टली टारगेट अवर गोल। सो चलिए देखते हैं अभी फिलहाल आगे। यहाँ पर बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ सब्जेक्ट को। मेरा यहाँ पर बस आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि जो भी यहाँ पर आप लोग लेक्चर्स देखोगे, सारे के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखोगे, बिकॉज सीक्वेंस में देखी हुई चीजें एक स्टोरी के रूप में होगी, और वो जो स्टोरी होगी वो आपके दिमाग में एक बार में ही घुस जाएगी, और ये सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी होगा। तो अगर आप स्टोरी के रूप में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, इस सब्जेक्ट को बहुत इजी करना चाहते हो, इतना इजी कि आप 5 साल बाद 10 साल बाद भी इस सब्जेक्ट को ना भूले, तो उसके लिए जरूरी होगा कि आप एक एक लेक्चर को ध्यान से पूरा का पूरा सुने। फॉरवर्ड जो बटन है उसको यूज ना करें, बस इतना बोल रहा हूं। बिकॉज अगर आप लोग यहां पर मेरे सामने क्लासरूम में बैठे होते तो आप भी जानते हो कि आप फॉरवर्ड का बटन वहां पर नहीं दबा पाते। ये बात सही है कि मैं यहां पर आप लोगों को लेक्चर में पढ़ाई के अलावा दूसरी कोई बातें नहीं करने वाला हूं, ना कोई मोटिवेशन होने वाला है और ना ही मेरे को कोई जरूरत भी है यहां पर। बिकॉज ये मैं जानता हूं मोटिवेशन कम्स व्हेन क्वेश्चंस अगर मेरे से सही बनने लग जाए तो अगर क्वेश्चन सही बन रहे होंगे आप लोगों से तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं होगी। सो इसलिए मोटिवेशंस पहली बार कर रहा है यहां पर, थोड़ा सा आपको बताया है कि हाउ द लेक्चर्स विल गो ऑन और आप लोगों क्या करना है यहां पर, बस यही चीज बता रहा हूं, इसको फॉलो कर लेंगे। मोटिवेशन के कोई लेक्चर सुनने की जरूरत आपको नहीं है, बिकॉज जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है। तो चलिए खैर देखते हैं, खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे क्या ये सब्जेक्ट हम लोगों के लिए इजी हो पाता है, क्या वो जो स्टोरी के रूप में मैं बोल रहा हूँ आप लोग, क्या वो स्टोरी समझ में आती है। बिकॉज जब सीक्वेंस में सारी चीजें चलती है तो ज्यादा अच्छे से हम लोग रिलेट कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर अभी मैंने बात करी आप लोगों को कि अगर एक मॉलिक्यूल पे मैंने फोर्स लगाया होता फ्लूइड के, तो दूसरे मॉलिक्यूल उसको रेजिस्ट नहीं करता है इन फ्लूइड, और यही जो प्रॉपर्टी है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे के रिस्पेक्ट में इजीली मूव कर पाता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एज द फ्लो प्रॉपर्टी। So, what is flow property? I don't think कि आप लोगों को लिख कर देने की जरूरत है, बस आप यहाँ पर एक बार दिमाग में फिट कर लेंगे। बट ये बात श्योर है कि फ्लूइड में क्या देखने को मिल रहा है, that theta increases with respect to time. Theta की वैल्यू क्या है, टाइम के साथ यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। So, बस आप लोगों को यहाँ पर इतना ही याद रख लेना है कि थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और ये थीटा क्या होगा उसी की बात अगर मैं करता हूं यहाँ पर। सिमिलरली एक ऐसा ही डायग्राम बनाकर दिखाता हूं आप लोगों को, जो आप लोगों ने बनाया होगा वाइल स्टडीइंग सॉम। एक सॉम सब्जेक्ट आता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक मान लेते हैं ये सॉलिड बॉडी है, और सॉलिड बॉडी एक पर्टिकुलर सरफेस पर रेस्ट कर रही है। अगर इस पर्टिकुलर बॉडी पर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा होता, तो ये पक्की बात है कि जो हमारी बॉडी है ये कुछ डिफॉर्म हो गई होती और कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाती। अच्छा, डिफॉर्म होती तो यहां पर एक एंगल बन जाता था, इसी एंगल को हम लोग क्या बोल देते थे, एज थीटा, और इसी थीटा को हम लोग क्या बोल देते हैं, एज दिस एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। दिस एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पे भी एक शियर डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, बट ये शियर डिफॉर्मेशन फ्लूइड के केस में कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस कि अगर टाइम t1 पे चेक करता तो वो शियर डिफॉर्मेशन थीटा 1 था, और टाइम t = t2 पर अगर चेक करता तो ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू बढ़ गई थी।
दैट मींस ये थीटा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है और थीटा के इंक्रीज को रोकने वाला यहां पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. सो इसका मतलब मैं यहां पर लिख चुका हूं ऑलरेडी दैट थीटा इंक्रीजेस विद द टाइम इन फ्लूइड्स. ये जितने भी बात लिख रहा हूं मैं दैट इज फॉर द फ्लूइड्स, वेयर एज फॉर द सॉलिड्स इस केस में मैंने क्या देखा दैट थीटा इज कांस्टेंट इन सॉलिड्स. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है सॉलिड्स और फ्लूइड्स में. सो यहां अगर मैं थीटा की वैल्यू बोल रहा हूं कि बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि थीटा को रोकने वाला कोई नहीं, रेजिस्टेंस जीरो है अगर यहां पर. और यही जो थीटा था ये क्या था, दिस वाज नथिंग बट दिस वाज योर एंगल ऑफ शियर डिफॉर्मेशन. शियर डिफॉर्मेशन था मतलब शियर डिफॉर्मेशन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो फ्लूइड्स में जीरो होता है. तो मैं लिख देता हूं यहां पर दैट रेजिस्टेंस टू Shear deformation in fluids. Shear deformation in fluids is zero. अच्छा, zero हो नहीं सकता है, ये होना चाहिए था. लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एक आइडियल फ्लूइड की कि फ्लूइड होता क्या है. प्रैक्टिकली अगर मैं बात करता हूं, चाहे आप पानी देख लो, चाहे इवन गैसेस देख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो तो होता नहीं है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता तो ये बात सही थी कि ये जीरो हो जाता, लेकिन ये जीरो हो नहीं सकता बिकॉज एक्चुअली गैसेस में हो या फिर लिक्विड्स में हो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर रहता है. इसीलिए इनकी वैल्यूज जीरो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है. तो अब चलिए देखते हैं यहां पर कि सर अगर ये जीरो नहीं हो सकती है तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर मैटर है जिसमें टेंड्स टू जीरो होगा उसको भी मैं यहां पर फ्लूइड बोल दूंगा. लेकिन सवाल ये आता है कि सर टेंड्स टू जीरो वो बात समझ में आती है, क्योंकि हमें ऐसा कोई मिला नहीं जिसके लिए एग्जैक्टली जीरो हो. अगर एग्जैक्टली जीरो होता, मिलता नहीं है, इसीलिए ऐसा कोई भी पर्टिकुलर फ्लूइड जिसमें एग्जैक्टली रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन इज अ जीरो, ऐसे पर्टिकुलर फ्लूइड को मैं क्या बोल देता हूं, एज द आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड क्यों वर्ड यूज करा है इसके लिए भी दिमाग में फिट कर लेते हैं. आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, देखिए आइडियल का मतलब होता है आदर्श. जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं माय फादर इज माय आइडियल. अब इसका क्या मतलब है कि मेरे पिताजी मेरे आदर्श है, मतलब जो काम वो करते थे मैं उसी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, उनकी कही बातों को पूरा मानने की कोशिश करता हूँ. तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे आदर्श है. अगर ऐसी बातें मैं कर रहा हूं इसका मतलब क्या है कि जैसा होना चाहिए वैसे है वो और मुझे एग्जैक्टली वैसा ही बनना है. आदर्श का मतलब होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा है. अब सवाल यह आ जाता है कि एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है. छोटी सी बात पूछ रहा हूं, एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है. तो देखिए आदर्श विद्यार्थी की परिभाषा डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी स्कूल लेवल में. पढ़ते थे क्या, पढ़ते थे कि एक आदर्श विद्यार्थी सुबह सूर्योदय के पहले उठता है, नहाता है, अच्छे से तैयार होता है, माता पिता को प्रणाम करता है, फिर उसके बाद व्यायाम करता है, व्यायाम करने के बाद सुबह का पाठ करता है, पूजा करता है, फिर उसके बाद स्कूल जाता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है. ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी, झूठ नहीं बोलता, ईमानदार होता है, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन एक सच्चाई मेरे को बताओगे, क्या आदर्श विद्यार्थी हमें देख रहे हो कहीं मिलता है? सर हम सब जानते हैं हम आदर्श विद्यार्थी तो नहीं है, हम लोग तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बदनाम भी है, ये भी हम जानते हैं. सर क्यों बदनाम है? सर हॉस्टल में रह रहे हैं, कहां उठते हैं हम लोग, सूर्योदय तो कभी देखा नहीं. शायद ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्टल में जाने का शायद ही कभी सूर्योदय देखने को मिला होगा. इसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास में हम लोग एक आदर्श विद्यार्थी देखने को नहीं मिलता. तो जिस तरह से आदर्श विद्यार्थी देखने को नहीं मिलता हमें, उसी तरह से हम लोगों को आइडियल फ्लूइड देखने को, आदर्श फ्लूइड देखने को भी नहीं मिलता है. ये एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है, लेकिन ये हमारे इमेजिनेशंस में, हमारे थ्योरीज में एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है. रियल लाइफ में जो भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एज द रियल फ्लूइड्स. तो रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड दो कैटेगरी हो जाती है हमारे फ्लूइड्स की. लेकिन सवाल यह आ जाता है कि सर हम लोग कौन से फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं फॉर द रियल फ्लूइड्स. अब सवाल यह आ जाता है कि सर रियल फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आप कैसे पता करोगे? तो बात समझना, मैंने जैसा कि बोला कि रेजिस्टेंस इज जीरो इन द आइडियल फ्लूइड, और रेजिस्टेंस किसकी वजह से आएगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके कारण जो रेजिस्टेंस आता है उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एज विस्कोसिटी। आगे चल के हम लोग बिल्कुल पढ़ने वाले हो, या फिर अगर आप लोगों ने एफएम थोड़ा भी पढ़ा है कॉलेज में भी, तो विस्कोसिटी का मतलब पता होगा सर, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो, और अगर रेजिस्टेंस है, अगर विस्कोसिटी है, दैट मींस दैट इज अ रियल फ्लूइड, और ऐसा फ्लूइड हम पढ़ते ही नहीं है जिसमें विस्कोसिटी को हम लोग जीरो बोल दें, ठीक है ना। तो हम लोग जो बेसिकली स्टडीज करते हैं उसमें ये अज्यूम करते हैं कि भाई हम लोग विस्कोसिटी को कंसीडर करेंगे। वो बात अलग है कि कई बार कुछ ऐसी थ्योरीज है जिसमें हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कभी कभी कि नहीं जो फ्लूइड है दैट इज योर आइडियल फ्लूइड। तो खैर वो हम लोग बिल्कुल अजम्पशंस देखेंगे, अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग पार्ट आएंगे हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उनके बारे में बिल्कुल हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ की। बट चलिए अभी आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की। ये जो पर्टिकुलर हमारा दूसरा वर्ड है जो मैकेनिक्स मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि मैकेनिक्स क्या होता है, चलिए अब इसके बारे में सुन लेते हैं। सेकंड वर्ड फॉर द सब्जेक्ट इज मैकेनिक्स। देखो फ्लूइड का मतलब तो समझ में आ गया, फ्लूइड का मतलब होता है एक ऐसी मैटर जो कि फ्लो कर सकता है, दैट मींस उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू जीरो होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी, बट दैट इज योर आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड तो मैंने बता दिया, लेकिन वही जो रेजिस्टेंस था टू द शियर डिफॉर्मेशन उसको क्या बोलते थे, एज द शियर स्ट्रेंथ। तो एक फ्लूइड की शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या रहती है, जीरो होती है। रेजिस्टेंस टू द शियर डिफॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है आइडियल फ्लूइड के लिए। अब बात करते हैं मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए मैकेनिक्स का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, अगर एक लाइन में लिखना चाहूं तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्टडी ऑफ मोशन। ये क्या है, दिस इज द स्टडी ऑफ मोशन। अब बात यह है कि सब मोशन मतलब तो होता है हम लोगों को कि सर एक मूवमेंट हो रहा है, हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है। मोशन के भी अलग अलग टाइप देखे थे, लीनियर मोशन देखा था हम लोगों ने, प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था, सर्कुलर मोशन देखा था, रोटेटरी मोशन भी देखा था। अब सवाल यह आ जाता है कि सर कोई भी मोशन है इसका मतलब पोजिशन चेंज हो रही है, पोजिशन चेंज हो रही है। अगर मैं फोर्स कुछ अलग अलग लगाऊंगा तो जो मोशन हो रहा है वो भी कुछ अलग अलग तरीके से हो सकता है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया तो दैट विल बी अ लीनियर मोशन, बट अगर मान लीजिए दो अलग अलग डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दिए हैं तो ऑफ कोर्स वो वहां पर क्या मिलेगा मेरे को, देखने को प्रोजेक्टाइल मोशन। बट अगर मान लीजिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि मूवमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एज अ सर्कुलर मोशन। पढ़ा है आप लोगों ने शायद, नहीं याद आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगला सब्जेक्ट देख लेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कि भाई ये जो मोशन है वो कितने तरह के होते हैं और उनके लिए हम लोग इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। बट ये तो पक्की बात है कि मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द मोशन, लेकिन देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मोशन अलग अलग तरह के होते हैं और ये डिपेंड करता है कि फोर्स आपने कैसा अप्लाई करा है। तो इसका मतलब कि ये मोशन होता ही है बिकॉज ऑफ द फोर्स। जैसे कि अभी आप लोग मेरे को स्क्रीन में देख रहे हो, लेकिन एक बात मेरे को ये बताइए कि क्या मैं आपको अभी मूव कर पाऊंगा, क्या मैं ऐसा धक्का लगाऊं तो आप लोग मूव कर जाओगे, नहीं मूव करोगे। क्यों नहीं मूव करोगे, बिकॉज सर आपका हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है, अभी आप वर्चुअल दिख रहे हो हमें, यस और नो। दैट मींस कि अगर मेरे को आपको मूव करना है तो मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आप पर, और वो फोर्स अप्लाई करने के लिए एक कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोलकर गया था दैट देयर इज नो मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सो कॉज ऑफ मोशन इज नथिंग बट दैट इज योर फोर्स। तो अगर मैं यहां पर भी बात कर रहा हूं मैकेनिक्स को भी क्लासिफाई करने की, तो दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, दो कैटेगरीज में। द फर्स्ट कैटेगरी इज द डायनामिक्स एंड द सेकेंड कैटेगरी इज काइनेमैटिक्स। सेकेंड कैटेगरी इज द काइनेमैटिक्स। अब सवाल यह आ जाता है कि सर डायनामिक्स क्या होता है, तो देखिए मैंने बोला मोशन स्टडी करना है, लेकिन मोशन का मतलब क्या है कि पोजीशन चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी का भी रेट ऑफ चेंज क्या है, तो दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मैं पोजीशंस, अगर मैं वेलोसिटी, अगर मैं एक्सेलरेशन, सिर्फ यही तीन बता रहा हूं, ये चेक नहीं करता हूं कि भैया ये मोशन जो हो रहा है किस फोर्स की वजह से हो रहा है, कौन से फोर्स की वजह से हो रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मैं अगर ये सब कुछ चेक नहीं कर रहा हूं, फोर्स क्यों एक्ट कर रहा है ये मैं चेक नहीं कर रहा हूं, देन
दैट स्टडी इज नोन एज काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स मतलब क्या है? डू नॉट व्हाइल नॉट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन दैट इज नोन एज फोर्स. बट अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं डायनामिक्स की, तो डायनामिक्स का मतलब होता है व्हाइल कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, व्हाइल कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन. क्लियर है? तो इसका मतलब कि जो मैकेनिक्स है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता था, एक था क्या डायनामिक्स और दूसरी थी काइनेमैटिक्स. लेकिन एक बात बताओ मेरे को, बेसिक फॉर्मूला न्यूटन से सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता था फॉर्मूला? दैट वाज एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू ए. ये बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा. लेकिन एक सिंपल सी बात मेरे को ये बताओगी कि अगर मैं फोर्स को कंसिडर कर रहा हूं, इसका मतलब ये श्योर है कि मेरे को एक्सेलरेशन के साथ साथ मास भी कंसिडर करना पड़ेगा. श्योर है? और मास के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, तो मास इज नथिंग बट दैट इज द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ये थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे. नहीं जानते हैं तो हम लोग अगली क्लास में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली सब्जेक्ट, तब वहां पर बात करेंगे. लेकिन एक बात सिंपल से समझना कि अगर मैं मास को कंसिडर कर रहा हूं तो डेंसिटी को भी कंसिडर कर रहा हूं. अगर मैं डेंसिटी को कंसिडर ना करूं तो फोर्स कंसिडर नहीं होगा, और अगर डेंसिटी कंसिडर नहीं हो रही तो जितनी भी यूनिट्स है उनके लिए जो भी क्वांटिटीज है वो सबकी सब किसमें आएगी? काइनेमैटिक्स में आ जाएगी. लेकिन ऐसी कोई भी यूनिट या ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें डेंसिटी कंसिडर हो गई है, मास कंसिडर हो गया है, केजी आ गया है मास की यूनिट, तो वहां पर वो यूनिट किसके लिए स्टडी की जाती है? दैट इज फॉर द डायनामिक्स. जैसे कि अगर मैं बताता हूं आप लोगों को, आप लोग क्या पढ़ते हो, तो मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स ऑफ कोर्स अगर फोर्स स्टडी कर रहे हो तो दैट इज इन द डायनामिक्स. फोर्स के लिए अगर आप लोग डायमेंशंस चेक करोगे तो ऑफ कोर्स मास वहां पर आ जाएगा. वहीं इसके अलावा टॉर्क अगर आप लिख रहे हो तो ऑफ कोर्स टॉर्क भी यहां पर आपका डायनामिक्स में कंसीडर किया जाएगा. वहीं इसके अलावा आप मोमेंटम अगर चेक कर रहे हो तो मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, तो वो भी ऑफ कोर्स डायनामिक्स में स्टडी किया जाता है. वहीं इसके अलावा आप एक डायनामिक विस्कोसिटी दैट इज म्यू भी डिफाइन करते थे, याद होगा उसकी भी यूनिट में केजी आ जाता है. वहीं इसके अलावा अगर यहां पर मैं चेक करता हूं काइनेमैटिक्स में, तो आप कौन-कौन सी क्वांटिटीज चेक करोगे? तो इसमें आप चेक करोगे सबसे पहले मीटर में कौन सी होती है, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. वहीं इसके अलावा मीटर पर सेकंड में आप काउंट करोगे वेलोसिटी, या फिर आप काउंट कर सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या काउंट करोगे, दैट इज एक्सेलरेशन. तो ये सभी जो क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज अगर आप स्टडी कर रहे हो तो दैट इज योर सिंपल काइनेमैटिक्स. अगर ये क्वांटिटीज स्टडी कर रहे हो तो दैट इज योर डायनामिक्स. आई होप ये दोनों ही बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. तो मैकेनिक्स क्या होता है ये तो समझ में आया होगा. लेकिन अब सवाल ये आता है, दोनों में कंबाइन जब कर दूंगा, दो वर्ड्स कौन कौन से थे? द फर्स्ट वर्ड वॉज योर फ्लूइड एंड द सेकेंड वर्ड इज द मैकेनिक्स. तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब इस टोटल सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा, तो फ्लूइड का मतलब क्या है? मैं लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ रहा हूं. मैकेनिक्स का मतलब क्या है? मोशन के बारे में पढ़ रहा हूं. तो दोनों कंबाइन कर ले, इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर लिक्विड्स और गैसेस के मोशन के बारे में स्टडी करना चाह रहा हूं. उसमें भी दो बातें हो सकती है, या तो मैं फोर्स कंसिडर करूंगा या फिर डायरेक्टली सिर्फ मोशन को ही स्टडी कर लूंगा. तो इस तरह से जो टोटल फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके दो पार्ट बन जाते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द फ्लूइड डायनामिक्स एंड द सेकंड पार्ट इज द फ्लूइड काइनेमैटिक्स. वैसे तो हम लोग यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक्स भी पढ़ते हैं. स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? जब कोई मोशन नहीं हो रहा है. अगर मोशन ही ना हो, हमारा फ्लूइड स्टेशनरी हो, तो क्या इफेक्ट होगा उस पर्टिकुलर फ्लूइड की, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, फ्लूइड के कारण क्या इफेक्ट्स आएंगे, वो सब कुछ हम लोग भी स्टडी करते हैं. और एक और थर्ड पार्ट भी आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, एंड दैट इज योर फ्लूइड स्टैटिक्स. अब बात यहां पर आ जाती है कि सर चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो समझ में आई हैं मेरे को, लेकिन मुझे यहां पर कौन कौन से एक्चुअली टॉपिक्स पढ़ने होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में. तो चलिए टॉपिक्स की ही बातें कर लेते हैं हम लोग यहां पर. अब जरा द फर्स्ट टॉपिक जो आप लोग यहां पर स्टडी करते हो, दैट इज योर फ्लूइड प्रॉपर्टीज. That is your fluid properties. तो basic कुछ fluid की properties है जिनको हम लोग यहाँ पर study करेंगे. तो basic properties में कौन कौन सी properties आ जाती है? Mass density आ जाएगा, या फिर आपका specific gravity आ जाएगी, या फिर unit weight आ जाएगा, pressure आ जाएगा.
इन सबको यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, सरफेस टेंशन है और इसके अलावा बॉयंसी है, फ्लोटेशन है, इन सबको यहाँ पर आप स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। और साथ में यहाँ पर मैंने बात करी अबाउट फ्लूइड स्टैटिक्स आल्सो। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, दैट विल बी योर फ्लूइड काइनेमैटिक्स। फ्लूइड काइनेमैटिक्स, अच्छा यहां पर ये साथ में मैंने आपको बोला कि स्टैटिक्स भी मैं यहां पर इसी फर्स्ट टॉपिक में कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, फ्लूइड काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है कि आप सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करोगे, वेलोसिटी की बात करोगे, आप लोकेशन की बात करोगे, आप रोटेशन की बात कर सकते हो, लेकिन आप फोर्सेस की बात नहीं करोगे। अगर अगर आप मास की बातें नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स दैट विल बी नोन एज फ्लूइड काइनेमैटिक्स। तो कुछ अलग अलग इक्वेशंस बनती है, कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि इक्वेशंस का यूज कहाँ है। तो भैया यूज यहाँ है कि अगर आप मास नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपको मास नहीं पता है, अगर आपको फोर्स नहीं पता है, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कौन सी स्टडी करोगे, दैट विल बी योर फ्लूइड काइनेमैटिक्स। थर्ड जो टॉपिक आएगा इसके बाद, दैट विल बी योर ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब क्या है कि आप यहां पर फोर्सेस को कंसीडर करते हुए कुछ इक्वेशंस डिराइव करते हो कि भैया मोशन अगर स्टडी करना है तो ये इक्वेशंस मेरे को पता होनी चाहिए। जिस इक्वेशन में आप कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस को कंसीडर कर लेते हो, इनमें आप लोग सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन यूज करोगे, दैट विल बी योर बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द पीटेक। वहीं इसके अलावा बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम अल्टीमेट तो नहीं बल्कि उसके और ऊपर भी और जनरलाइज्ड इक्वेशंस भी होती है, उनको भी हम लोग टच करेंगे यहाँ पर। बट फ्लूइड डायनामिक्स के बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो देखिए फ्लो हो सकता है, यहाँ पर फ्लूइड डायनामिक्स की बातें कर रहा हूँ तो मैं फ्लो की बातें कर रहा हूँ, तो फ्लो को मेजर भी करना होगा। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकल्स की बातें करूं तो फ्लूइड डायनामिक्स में आपने मोशन को स्टडी तो कर लिया कि मोशन कैसे होगा और उसको गवर्न करने वाली इक्वेशन कौन सी होगी, बट उसके बाद आप ये भी चेक करोगे दैट व्हाट आर द मेजरिंग इक्विपमेंट्स। तो मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं, वो भी आप लोग यहां पर फ्लूइड डायनामिक्स में ही कंसीडर कर लेते हो, जैसे कि वेंचुरी मीटर है, ऑरिफिस मीटर है, सिंपल ऑरिफिस है, वो सब आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। वैसे तो इन दोनों को भी इंक्लूड किया जा सकता है कंबाइनली कि भी यहाँ फ्लूइड डायनामिक्स स्टडी कर रहे हो तो उसमें ऑफकोर्स मेजरिंग डिवाइसेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आप पढ़ोगे ही। बट इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर मोशन की बात कर रहा हूं, मैं फ्लो की बातें कर रहा हूं, तो ऑफकोर्स फ्लो भी कुछ अलग अलग वेराइटीज का, अलग अलग टाइप का होता है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली दो टाइप के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन विल बी योर लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में भी हम लोग पढ़ते हैं कि भैया अलग अलग तरह के चैनल्स में फ्लो हो सकता है, हो सकता है कि भाई पाइप में फ्लो हो रहा हो सकता है पैरेलल प्लेट्स के बीच में से फ्लो हो रहा हो सकता है कि जो फ्लो हो रहा है वो एक चैनल में हो रहा है। तो वहां पर क्या डिफरेंस आएगा लैमिनार फ्लो में, उसके बारे में भी बात करेंगे। वही लैमिनार फ्लो का अपोजिट क्या होता था, दैट वाज योर टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो की भी हम लोग यहाँ पर बातें करने वाले हैं कि भी टर्बुलेंट फ्लो में क्या वेरिएशंस हो जाएंगे वेलोसिटी के, स्ट्रेसेस के, ऑफ कोर्स वो भी डिराइव करेंगे हम लोग यहाँ पर। कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ अलग अलग रिसर्चर्स के नाम आते हैं, उन्होंने क्या क्या सजेस्ट करा है, वो एक बढ़िया स्टोरी रूप में हम लोग समझेंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए। बट बस एक ही गुजारिश है कि आप सारे के सारे जो भी जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, आप कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, प्रॉपरली पूरा का पूरा देखेंगे विदाउट यूजिंग योर फॉरवर्ड बटन। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो, चलेगा, लेकिन फॉरवर्ड बटन आप यूज नहीं करने वाले हो। सो खैर चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर सेवंथ जो टॉपिक रहेगा, इसके अलावा अगर कहीं फ्लो हो रहा है तो सर फ्लो के बीच में अगर कोई मान लीजिए मैटर आ गया, सॉलिड बॉडी आ गई, तो वो किस तरह से अफेक्ट करती है हमारे मोशन को, हमारे फ्लो को किस तरह से अफेक्ट करेगी, किस तरह से फिर वेलोसिटी का वेरिएशन होगा, उन सब के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। एंड द टॉपिक नेम इज बाउंड्री लेयर फ्लो। द टॉपिक नेम इज बाउंड्री लेयर फ्लो। तो बाउंड्री के कारण क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे इन नंबर सेवेंथ टॉपिक। अच्छा, सीक्वेंस में बिल्कुल चेंज करूंगा आगे चलकर, तो ऐसा नहीं है कि सेम सीक्वेंस में ही हम लोग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन ठीक है, हमें टॉपिक्स जरूर पता होने चाहिए। बट इसके अलावा हम लोग ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड की बातें कर रहे हैं, इनमें से वाटर को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं सबसे ज्यादा, और यही वाटर को यूज किया जाता है इन द
पावर प्लांट्स, आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स, डैम में हम लोग स्टोर करके रखते हैं वाटर को और उसके टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। तो ऑफ कोर्स फ्लूइड मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है एंड दैट इज योर फॉर द हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स की बात अगर मैं करता हूं तो यहां पर सबसे पहला जो पार्ट पढ़ोगे आप लोग दैट विल बी द इंपैक्ट ऑफ जेट्स, कि जो जेट्स है आ रहे हैं आपके डैम में वाटर जो था उसको पाइप से आप लेकर आए थे, जेट अगर टकराता है किसी पर्टिकुलर ब्लेड से या प्लेट से तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्लेट पर, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जेट्स वाला टॉपिक है ऑफ कोर्स प्लेट या वेन की अगर मैं यहाँ पे ब्लेड की अगर मैं बातें कर रहा हूं तो किसके लिए बातें कर रहा हूँ तो वो होगा हमारा नाइन्थ, उसका अगला वाला टॉपिक दैट विल बी योर टर्बाइन्स। तो टर्बाइंस के बारे में भी बात करेंगे, टर्बाइंस भी अलग अलग तरह की होती है, कब कौन सी टर्बाइन यूज करनी चाहिए, वो टर्बाइंस में आप किस तरह से वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनाते हो इनलेट आउटलेट दोनों ही जगह, वो दोनों ही सारी बातें हम लोग बिल्कुल यहाँ पर सीखने वाले हैं। कौन सी टर्बाइन यूज करनी है ये भी हम लोग स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, सभी की बातें करेंगे हम लोग। लेकिन टर्बाइंस के अलावा इन्हीं टर्बाइंस का उल्टा रूप होता है दैट इज योर पंप्स, क्योंकि जो टर्बाइंस है वो तो हमारे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वाटर को कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि हमारा पंप क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर हम लोग ऑफ कोर्स पंप्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और बेसिक यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आता है, बहुत बेसिक टॉपिक है कि हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ ले, हम लोग ये पढ़ ले कि अगर मान लीजिए आपको एक्चुअली जो स्टडी करना है उसकी जगह अगर कोई दूसरा मॉडल बनाते हो तो मॉडल में क्या स्टडीज करनी चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए आप लोग को, एक्चुअल जो आपका प्रोटोटाइप है वो बनाने के पहले अगर आप मॉडल बना रहे हो तो क्या चेंजेस करने हैं, किस तरह से स्टडीज करनी है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। एंड द टॉपिक नेम इज डायमेंशनल एनालिसिस, टॉपिक नेम इज डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा इसके अलावा यहां पर हम लोग क्योंकि बेसिकली जितने भी फ्लो करते हैं हम लोग स्टडी दैट आर बेसिकली इन द पाइप, ठीक है। अब यहां डिफरेंशिएशन आ जाता है क्योंकि देखिए मैकेनिकल इंजीनियर्स मेनली जो भी फ्लो स्टडी करते हैं वो पाइप में स्टडी करते हैं, सिविल इंजीनियर जो मेनली स्टडी करते हैं वो पाइप्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं क्योंकि जब वाटर सप्लाई करना है घरों में तो वो काम ऑफ कोर्स सिविल इंजीनियर्स का है, सिविल इंजीनियर्स तो पाइप का यूज करते हैं। लेकिन कैनाल्स भी सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं और कैनाल्स में जो फ्लो होता है या रिवर्स के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग एज अ सिविल इंजीनियर वो सब होता है क्या ओपन चैनल फ्लो। तो वो एक दो टॉपिक्स यहां पर आप और ले सकते हो, द ट्वेल्थ टॉपिक विल बी योर फ्लो थ्रू पाइप, सो दैट इज पाइप फ्लो। वहीं इसके अलावा जो 13th टॉपिक है जो कि ओनली सिविल इंजीनियर स्टडी करेंगे दैट टॉपिक इज योर ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो। तो देखिए अगर सिविल इंजीनियर्स की बेसिकली बात करूंगा तो सिविल इंजीनियर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ओपन चैनल फ्लो, क्योंकि बाकी के जो पार्ट है वो तो मैकेनिकल भी पढ़ता है वो तो सिविल इंजीनियर भी पढ़ता है, लेकिन सिविल इंजीनियर बेसिकली कौन सा ज्यादा पढ़ेगा तो उसको ज्यादा डील करना होगा विद द ओपन चैनल्स। तो इसीलिए कोई भी अगर एग्जाम्स की बात करते हो तो उसमें ओपन चैनल फ्लो का वेटेज कई बार ज्यादा रहता है। तो खैर चलिए यही हमारा पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस होगा। अब इनमें से कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है वो अलग 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 एग्जाम्स के लिए वैरी करता है, इसलिए मैं जब भी यहां पर कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उस टॉपिक के लिए रिस्पेक्टिव व्हाट इज द वेटेज इन द डिफरेंट एग्जाम्स वो मैं हर टॉपिक के लिए अलग अलग ही जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक को तभी वहां पर हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप हमें फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब तो जरूर क्लियर होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास के लिए बिल्कुल वेट करेंगे और हम लोग यहाँ पर सीखेंगे विद अवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज से ही फॉलो करेंगे आप लोग अच्छे से और एक भी यहाँ पर लेक्चर मिस करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। अगर आप कुछ अच्छा सीख पाते हो तो दोस्तों को समझाएं कि नहीं भाई यहां से पढ़ सकते हो आप लोग, आपको अच्छे कंसेप्ट मिल जाएंगे। सो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी आज के लेक्चर के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में कुछ और नए कंसेप्ट और कुछ और नए न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, हैप्पी इंजीनियरिंग।